थ्री टायर ट्रे के लिए मैं 1:1 की रेजिन यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैं अराउंड 300 ml रेजिन और हार्डनर मिक्स कर रही हूँ। 150 ml मैंने रेजिन लिया है और 150 ml ही मैंने हार्डनर लिया है। इसको लेकर मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इतनी अमाउंट का आप रेजिन और हार्डनर ले रहे हैं तो इसके आपको रेशोज़ का बहुत ख्याल करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रेशो ऊपर नीचे होगा तो रेजिन जो है ना वो सही से हार्ड नहीं हो पाएगा और आपका पूरा जो मटेरियल है वो वेस्ट हो जाएगा। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसे 10-15 मिनट्स के लिए साइड में रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। मेरी रेजिन बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। 2 पार्ट्स में मैंने ज़्यादा रखा है और 1 पार्ट में मैंने बहुत थोड़ा सा रखा है। अब 1 पार्ट में मैं ब्लैक मेकअप पाउडर डाल रही हूँ। दूसरे पार्ट में मैं थोड़ा सा पिंक ग्लिटर और ड्राइड रोज़ और जैस्मिन के फ्लावर पेटल्स हैं मेरे पास, ये मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। बहुत स्लो मिक्सिंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही मैं अच्छे तरीके से ये जो फ्लावर पेटल्स और पिंक ग्लिटर डाला था इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। और 3rd पार्ट के लिए मैं इसके अंदर गोल्डन फ्लेक्स डाल रही हूँ। गोल्डन फॉइल को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तीनों चीजों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये मेरे पास 3 टायर ट्रे के मोल्ड हैं। ये 3 मोल्ड हम सेट करेंगे। सबसे पहले मैं मोल्ड के कॉर्नर्स में गोल्डन जो फॉइल का हमने रेजिन प्रिपेयर किया था वो डाल रही हूँ। तीनों मोल्ड में हम एक ही तरीके से बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर एक गोल्डन रेजिन डालेंगे। मैंने जितना भी रेजिन प्रिपेयर किया था वो पूरा रेजिन मैंने इन 3 मोल्ड्स में डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। जहाँ बड़े बड़े हमारे गोल्डन फॉइल के पीसेज हैं उनको मैं एक स्टिक से जो है वो थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी। Never let me go. Right here in your arms is where I want to be. गोल्डन फॉइल मैंने अच्छे तरीके से तमाम मिक्स कर लिए। अब इसके बाद मैं 2nd जो हमने ब्लैक मेकअप पाउडर की रेजिन बनाई थी सब उसके बाद मैं वो पोर कर रही हूँ। और अब सेंटर में हमने जो फ्लावर पेटल्स वाला रेजिन प्रिपेयर किया था वो मोल्ड में डाले। इसमें जहाँ जहाँ मुझे फ्लावर पेटल्स बड़े लग रहे हैं उसको मैंने बिल्कुल एक हल्की सी स्टिक्स के साथ लेकर और थोड़ा सा मैश किया। इसको अच्छे तरीके से मैश करने के बाद मैं इसके ऊपर अल्कोहल स्प्रे कर रही हूँ। ये 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जिससे आपको बबल्स रिमूव करने में हेल्प मिलता है।
इसको अच्छे तरीके से मैं स्प्रेड कर रही हूँ, जितने भी हमारे फ्लावर पेटल्स हैं। और जो फ्लावर पेटल्स बड़े थे, जो बहुत एक्स्ट्रा हो रहे थे, उनको मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी किया है। ये जितने आपको बड़े पेटल्स नज़र आ रहे हैं, ये सब मैं साथ के साथ ब्रेक कर रही हूँ। देखिए, इनको मैंने फ्लावर पेटल्स को भी अच्छे तरीके से ब्रेक किया, और अब मैं इसके ऊपर मजीद ब्लैक मिल्का पाउडर वाला रेजिन डाल रही हूँ। ऊपर से जो मैंने ब्लैक रेजिन डाला था, उसको मैं अच्छे तरीके से स्टिक्स के साथ मिक्स कर रही हूँ। और अब इसको हम अराउंड 3 to 4 hours के लिए छोड़ देंगे रेजिन को हार्ड होने के लिए। अब ये 3 to 4 hours के बाद है कि रेजिन फुल तरीके से सेट भी नहीं हुआ हुआ है, और बहुत ज़्यादा स्टिकी और लिक्विडी भी नहीं है। अब मैंने ये 3 plates ली हैं। ये प्लेट्स मेरी जो रेजिन की प्लेट्स हैं, उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग हैं। तो ये मैंने 3 different प्लेट्स ली हैं। ये बड़े साइज़ के लिए मैंने ये प्लेट ली है। इसको हम इस तरीके से प्लेट के ऊपर रख के और एक बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर के मैं ऊपर मैं एक और प्लेट रखूँगी, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर अच्छे तरीके से टेपिंग करके और इसको एक तरीके से बांध देंगे, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। क्योंकि हमें ये बिल्कुल एक स्ट्रेट प्लेट्स होती हैं, जिसको हमें थोड़ा सा ऐसे कर्व देना है। तो ये कर्व देने के लिए मैंने इसको 2 plates के बीच में रख के और टेपिंग की है। जब ये फुली सेट हो जाएगा, तो इसके ऊपर ये जो है बिल्कुल एक कर्व की सी शेप आ जाएगी इसमें। ये सेम मैंने सेकंड प्लेट के साथ की है। एक प्लेट के ऊपर मैंने अपना रेजिन वाला वो सिलिकॉन वाला मोल्ड रखा है, उसके ऊपर एक बटर पेपर रख के दूसरी प्लेट रखी है, और टेप डच टेप लिया है मैंने, नॉर्मल जो हमारा टेप होता है, और उससे अच्छे तरीके से मैंने इसको स्टिक कर दिया। अब मैं इसको करने के बाद मज़ीद 4 to 5 hours के लिए छोड़ दूँगी सेट होने के लिए। ये हमारी तीनों प्लेट्स रेडी हो गई हैं। इन तीनों प्लेट्स मैंने एक ही तरीके से बांध दिया। 4 to 5 hours गुजर चुके हैं। अब मैंने जो प्लेट्स टेप के साथ चिपकाई थी, मैं उनको रिमूव कर रही हूँ, ताकि हमें फाइनली पता चले कि प्लेट्स का लुक कैसा है। ये रही हमारी सिलिकॉन की मोल्ड। वो जो एक सीधा सा 3 tier प्लेट वाला जो सीधा टेक्सचर होता है, उसको बस हमने एक कर्व शेप दी है इस तरीके से। अब ये एक जैसी प्लेट की शेप है, ये उस शेप में आ गया है। इसका सिलिकॉन का कवर रिमूव कर देते हैं। ये देखें, ये हमारा लार्जेस्ट पीस है, जो बिल्कुल बेस वाला होता है। ये तीनों पीस हमारे रेडी हैं। इन तीनों पीसेस के कॉर्नर्स के ऊपर मैं गोल्डन कलर किए। इससे बड़ा एक राउंड्स के ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा लुक आता है। ये तीनों प्लेट्स के कॉर्नर्स के ऊपर मैं सेम ऐसे ही एक ब्रश लेकर और गोल्डन कलर का एज पेंट कर दूँगी। ये मेरे पास मेटल के 3 tier ट्री के हैंडल्स हैं। इसके साथ ये कुछ हुक दिए हुए हैं, एक स्क्रू है, इसको मैं अब सेट कर दूँगी। हर प्लेट के बीच में लगाने के लिए एक फोम का सा राउंड शेप दिया हुआ है उन्होंने, ताकि जो मेटल है उसका निशान आपकी ट्रे के ऊपर नहीं आए। ये 2 tray मैंने सेट कर दी हैं, इनको अच्छे तरीके से टाइट किया है। और ये मेरी स्मॉलेस्ट ट्रे है, जो सबसे ऊपर है, और इसके ऊपर मैं सबसे ऊपर वाला हैंडल इसका लगा रही हूँ। ये हमारी ट्रे की फाइनल लुक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल पे मज़ीद भी रेजिन की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।